दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एमसीडी के कर्मचारी को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव जगतपुर बुराड़ी निवासी इंद्रजीत के रूप में हुई है। आरोपी नगर निगम के सिविल लाइन जोन में तैनात है। दरअसल एमसीडी ने एक इमारत को सील करने के बाद उस पर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया था। आरोपी जुर्माने की रकम को 5.16 लाख रुपए करवाने के बदले 2 लाख की रिश्वत मांग रहा था। बिल्डिंग मालिक की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन ब्रांच के मुखिया मधुर वर्मा ने बताया कि शनिवार को सिविल लाइन निवासी एक व्यक्ति ने एमसीडी के एलडीसी के 2 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया कि पिछले माह 26 जुलाई को उनकी इमारत को एमसीडी ने सील कर दी थी। पीड़ित एमसीडी के दफ्तर गए, वहां उन्हें इंद्रजीत मिले। उसने जुर्माने को 75% कम करवाने की बात की। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर एसीबी की टीम ने छानबीन शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।